एक पॉइंट पे ऐसा होता था कि मैं और वो बैठ के जेन्युइनली एक भाई बहन जैसे बात करते थे। डेफिनेटली अभिषेक और मनीषा ने ये दीदी वाला जो चलाया था चलन, तो ये मनीषा ने चलाया था, लेकिन अभिषेक ने अचानक ही इनिशियली उसने मना कर दिया था बोलने के लिए कि मेरे कहने का लहरिया का मतलब ये था कि वो ना मतलब ऐसे जब चलता था ना तो वो पूरा स्विंग करता था, तो वो स्विंग को मैंने लहरिया बोला था। बट थैंक यू। बात करते हैं अब आपके बिग बॉस ओटीटी की जर्नी के बारे में। राइट, एक बात जो मुझे आपके बारे में बहुत अच्छी लगी इज दैट कि आप स्टार्टिंग से जो आपका बिहेवियर था, शांत रहना, जहाँ ठीक लगे वहीं बोलना, आपको बहुत लोगों ने एडवाइस किया, बट आपने अपना बिहेवियर चेंज नहीं किया। राइट, वन मोर थिंग आई रियली लाइक इज दैट कि आपने कोई फेक लव एंगल क्रिएट नहीं किया, जो लोग कर ही लेते हैं इवेंचुअली। आई एम श्योर आपके फैंस बहुत प्राउड है आपकी जर्नी पे, आप खुद बहुत प्राउड है। मैं फैमिली का रिएक्शन जानना चाहती हूँ कि एक ऐसा उन्होंने कुछ बोला जो आपको भी बहुत अच्छा लगा। कॉम्प्लीमेंट एक यही था कि हमें पता था, और आई थिंक बहुत ज़्यादा फ़ोन वगैरह आए मम्मी के पास या शिजान के पास कि ऐसे ऐसे हो रहा है। देन कॉम्प्लीमेंट सिर्फ ये था कि हमें पता था कि ये ऐसे ही खेल के आने वाली हैं, खेल ना इन द सेंस क्या कि ये रियली रह के आने वाली है, चाहे कुछ भी हो जाए ये फेक नहीं होगी किसी भी पॉइंट पे। तो वो उनका कॉन्फिडेंस मैंने अंदर प्रूव कर दिया सही, तो ये एक अचीवमेंट और कॉम्प्लीमेंट दोनों ही है। वो लहरिया इसलिए फोकस में है, मेरे कहने का लहरिया का मतलब ये था कि वो ना मतलब ऐसे जब चलता था ना तो वो पूरा स्विंग करता था, तो वो स्विंग को मैंने लहरिया बोला था। बट जब मैं बाहर आई और मुझे आप लोगों के थ्रू, मीडिया के थ्रू ही ये पता चला कि उनको कुछ शायद फिजिकल प्रॉब्लम है, और तब मैंने ये चीज़ बोली थी कि अगर ऐसा कुछ है तो मैं नहीं जानती थी एल्विश को, मैं उनके बैकग्राउंड को नहीं जानती थी, मैं बैक स्टोरी नहीं जानती थी, लेकिन मैंने ये बात अभिषेक के साथ शेयर किया है अंदर। इनफैक्ट वो रात को मुझे याद है मैं जिया और अभिषेक ही थे, और अभिषेक बहुत ज़्यादा हंस रहा था। अभिषेक दोस्त था, और अगर अभिषेक है दोस्त है, और अगर अभिषेक को भी ऐसा कुछ पता था तो उसको मुझे वहीं रोकना चाहिए था, उसको मुझसे बोलना चाहिए था कि ये गलत है। मैं वहीं जाके एल्विश से शायद कन्फ्रंट करके माफ़ी मांग लेती, बट मुझे नहीं लगा ऐसा कुछ है। और मैंने वो एक ही एक दो दिन ही किया, उसके बाद मैंने वो भी नहीं किया। मेरी जो भी बोलने की चीज़ें थी वो एक दो एक आध बार ही हुई हैं, मैंने ज़्यादा फोकस किया नहीं, क्योंकि मेरे लिए वो हंसी मजाक था। बट बाहर इतना हंगामा हो जाएगा ये मुझे नहीं पता था, एंड ऑनेस्टली आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि उनको फिजिकली कोई प्रॉब्लम है इस तरह से। और रही रोटी की बात, वो भी एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो Yes, I had explained myself enough. वो बहुत बड़ी एक misunderstanding थी। Okay, Elvis जब आए थे initially घर में, आपके चेहरे से ऐसा लगता था कि आपको उनका behavior ज़्यादा पसंद नहीं आया था initially। Right। अब perception change हुआ है जब आपके साथ थोड़ा वक्त बिताया जो करेक्ट। लेकिन जब मैं अंदर थी तब मैं एक्चुअली उसको समझने की कोशिश कर रही थी अंदर भी, लेकिन वो ना गेम कि जब बात आ जाती थी ना तो कुछ अलग ही रिएक्ट करने लगता था, तो वहाँ पे हमारी जो भी होती थी वहाँ पे ख़राब होती थी बात। बट लेटर ऑन आई रियलाइज़ कि दिल का अच्छा लड़का है, और फालतू में उसको किसी को ना पोक करने की आदत नहीं है एल्विश को। उसने जो इनिशियली किया वो शायद गेम की वजह से किया, एंड मैं उसके लिए उसको अभी भूल गई, मैं लेट गो कर दिया मैंने। नहीं नहीं दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं यार, और ऑनेस्टली बहुत हंसी मजाक करते हैं दोनों आपस में बैठ के एक दूसरे के साथ। आई डोंट नो आप लोगों ने अगर देखा होगा तो मेरे ही बेड पे दोनों बैठे हुए थे और एक दूसरे को चुमटिए और काटने में लगे हुए थे, तो उन लोगों का बॉन्ड वैसा है पहले दिन से, वो लोग को यू नो साथ में रखा गया है अभिषेक और जिया को, तो बहुत अच्छा बॉन्ड है। आई डोंट थिंक सो कि उनका कुछ होगा, आई विश ऐसा कुछ हो, बट ऐसा कुछ है नहीं उन लोगों का, बहुत अच्छा बॉन्ड है।
अब अभिषेक के बाद आते हैं मनीषा पे. आई एम श्योर अगर आपने सोशल मीडिया थोड़ा भी देखा है तो उनके मोड को लोग बहुत ज्यादा पसंद करें. ऑल्दो एक नाराजगी कि अभिषेक हमेशा मनीषा को बहन करके रेफर करते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली जो हरकतें हैं वो कहीं से भी लगती नहीं है. तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, उनकी केमिस्ट्री कैसी है? नहीं, मुझे भी यही पता है कि अभिषेक उसको बहन बोलता है, और अभी जब बाहर आएंगे तो ये तो सवाल के जवाब वो ही दो दे पाएंगे. बट मुझे ऐसा लगता है एक्शंस में मत जाइए, लोगों की फीलिंग्स होती हैं कुछ, वो उसका परसेप्शन है, वो उसको किस तरह से ट्रीट कर रहा है. हो सकता है कि वो अपनी बहन के साथ भी वैसे ही रहता हो, यू नेवर नो. तो यार दो लोगों का कंफर्ट जोन मैं डिस्कस नहीं कर सकती. राइट, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी. मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज में सुना है कि आपने कैसे कहा कि मनीषा का यू नो कुछ समझ नहीं आता उनका रियल बिहेवियर का है. लेकिन अगर आपने कुछ क्लिप्स देखा होगा तो बेबीना ने बार बार कहा है कि मर्दों पे अपना करियर बना, ये चीज बार बार हो चुकी है. मैं अभी यहाँ पे यही बोलना चाहूंगी कि तीन दोस्तों ने आपस में एक दूसरे के साथ हंसी मजाक में बहुत सी लाइंस क्रॉस की हैं इनिशियली. उठाइए एपिसोड्स एंड देखिए, मनीषा ने अपने बारे में ही खुद बोला है या बेबिका ने अपने बारे में ही खुद बोला है. अब क्या हो रहा है कि जब टिफ हो रहा है ना लोगों के बीच में, तो यही हंसी मजाक की बातों को मुद्दा बना के बीच में लाया जा रहा है, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग. तो यहाँ पे गलती दोनों तरफ से होती है. मनीषा के बारे में, ठीक है, शी इज द एंटरटेनमेंट क्वीन. ठीक है, आप कहती हैं कि पता नहीं करियर साइड क्या, लेकिन अगर हम क्लिप भी देख रहे हैं तो अभी वही एंटरटेन कर रही है. उनके बारे में बस आप क्या कहना चाहती हैं? उसका एंटरटेनमेंट का जोन बदला है. पहले जो एंटरटेनमेंट होता था वो मतलब बहुत अच्छा वाला, हंसी मजाक वाला, एक हेल्दी वे में होता था. अभी एंटरटेनमेंट कुछ लोगों के लिए होगा, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ बुराइयां करती नज़र आ रही है मनीषा. जिन लोगों को बुराइयां पसंद आती हैं उन लोगों के लिए एंटरटेनिंग हो रहा है ये, बट मेरे लिए नहीं हो रहा है, आई एम सॉरी. फैंस को बस इतना बोलूँगी कि थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, और जितने घर के अंदर लोग हैं उन सबके फैंस को मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपस में हम लोग बहुत अच्छा एक बॉन्ड यू नो बना चुके हैं. भले अंदर कितनी भी लड़ाइयाँ हो रही हों ड्यूरिंग द टास्क, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं और बाहर आके हम लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे से मिलने वाले हैं. तो प्लीज़ आपस में लड़ना बंद कीजिए, क्योंकि आप लोग वेस्ट कर रहे हो एनर्जी अपनी. थैंक यू सो मच. आमीन. थैंक यू. हाई, दिस इज़ फलकनाथ एंड यू गाइज आर वॉचिंग मी ऑन ग्लिट्स विजन USA.